हेलो, आई एम नीना महाजन फ्रॉम स्पिरिचुअल अकेडमी फॉर कॉमर्स। टुडे हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू जनरलाइज। हाउ टू जनरलाइज में हम लास्ट टॉपिक ये जो करेंगे वो विदाउट जीएसटी अब तक किया था। कल से हम विद जीएसटी सीखेंगे कि जीएसटी के साथ हमने जर्नल कैसे पास करना है। तो ये जो हमारी दो तीन ट्रांजेक्शन्स रह गई थी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स का मतलब होता है कि आपके बिजनेस ने पिछले सालों में किसी डेटर से जो पैसे लेने थे उसको बैड डेट्स लिख दिया। बैड डेट्स लिखने का मतलब आपने मान लिया कि ये बंदा मुझे पैसे नहीं देगा और आपने अपनी बुक्स में से उस बंदे का नाम काट दिया, मतलब कट कर दिया। तो इसका मतलब आपकी बुक्स के मुताबिक हमने उस बंदे से अब कोई पैसा नहीं लेना। ऑब्वियस है, जब उसका नाम ही हमारी बुक से कट गया तो इसका मतलब हमने उससे कोई पैसा नहीं लेना। लेकिन वो अचानक आ गया और वो बोलता है कि भाई मैंने तेरे पैसे देने थे पिछले साल के, तो अब ले ले, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो मैं उससे, मेरा बिजनेस उससे 2000 रुपया ले लेगा, क्योंकि लेने तो है ही है, मैंने लेने थे। अब मेरे पास डेबिट कौन सा आएगा, क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मेरे पास तीनों डेबिट में से कौन सा डेबिट आएगा। पहला डेबिट है डेबिट व्हाट कम्स इन, दूसरा डेबिट है डेबिट द रिसीवर, तीसरा डेबिट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस या लॉस वाली कोई बात तो है ही नहीं है इसमें। और दूसरी बात क्या है, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से तो कोई ले नहीं रहा, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन बिजनेस में कुछ आ जरूर रहा है। क्या आ रहा है भाई, कैश आ रहा है। तो मेरा डेबिट वाला एस्पेक्ट मिल गया, मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मैं डेबिट लिख दूंगी, कैश अकाउंट डेबिट डेट इज अ 2000। अब मेरा डेबिट वाला एस्पेक्ट तो मुझे मिल गया, लेकिन अब मैंने कौन सा ढूंढना है, क्रेडिट वाला एस्पेक्ट ढूंढना है। तो फिर क्या आएगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, मेरे पास क्रेडिट्स हैं अवेलेबल, मेरे पास कौन कौन से क्रेडिट्स हैं अवेलेबल, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैं इस ट्रांजेक्शन में देखूं तो बिजनेस से कुछ जा नहीं रहा, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाली ऑप्शन नहीं आएगी। अब दो ऑप्शंस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पहली ऑप्शन ये है कि क्रेडिट व्हाट, क्रेडिट द गिवर, और दूसरी ऑप्शन है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट द गिवर, कौन गिवर है भाई, गिवर है जो हमें पैसे दे रहा है वो हमारा गिवर ही है, हमें उसका नाम लिखना चाहिए। तब हम फिर सोचते हैं यार उसका नाम मैं कैसे लिखूं, क्योंकि उसका नाम तो पिछले साल मैं अपनी बुक्स में से काट चुका हूं, क्योंकि जब मैंने बैड डेट्स लिख दिए थे तो उसका नाम अपने बुक्स में से काट दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका नाम अपनी बुक्स में क्रेडिट द गिवर नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरा बिजनेस उसी से पैसे ले सकता है जिससे उसने पैसे लेने होते हैं, उसकी बुक्स में लिखा होता है कि भाई मैंने इससे पैसे लेने हैं, या वो उससे पैसे लेगा जो उसे उधार देगा। ना तो ये बंदा उधार दे रहा है इसलिए क्रेडिट द गिवर नहीं हो सकता, और ना ही मेरी बुक्स में इसका नाम लिखा हुआ है कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, इसलिए मैं क्रेडिट द गिवर वाली ऑप्शन में इसे नहीं रख सकती। तो बच क्या गया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जिन पैसों को आप भूल चुके थे, बैड डेट्स मान चुके थे, मर गए थे आपके पैसे, डूब गए थे, वो पैसे अचानक आपको रिकवर हो गए, तो ये तो आपका फायदा हो गया आपके बिजनेस का। तो इस फायदे का नाम क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स नहीं लिखना बच्चों, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, बिजनेस बोलता है कि जो मेरे लिए गेन होएगा उसको मैं क्रेडिट पे रखूंगा, तो बिजनेस के गेन का नाम क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहाँ पे बिजनेस लिख देगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों ने इसे प्रोफोमा में लिखना है, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ लेकिन आपने पूरा प्रोफोमा में एंट्री डालनी है। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजेक्शन डोनेशन पेड ₹1000। बिजनेस ने डोनेशन पे की, पे करने का मतलब कैश का जाना और रिसीव करने का मतलब कैश का आना, तो बिजनेस डोनेशन पे कर रहा है। अब इसके लिए मैं डेबिट ढूंढूंगी, पहला डेबिट था डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से कोई ले रहा है इस ट्रांजेक्शन में, यस,
जिसको बिजनेस डोनेशन दे रहा है तो वो बिजनेस से डोनेशन ले रहा है, रिसीवर है कोई बिजनेस का, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लिखूंगी, क्योंकि बिजनेस डेबिट द रिसीवर वाली ऑप्शन तभी अपनाता है जब बिजनेस ने किसी को उधार देना होता है और बिजनेस उससे वापसी की उम्मीद रखता है। जब हम किसी को दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि भाई ये ले आज 5 रुपए, मैं परसों चौथे तेरे से ले लूंगा वापस। दान देने का मतलब भूल गए, इसका मतलब डेबिट द रिसीवर वाली ऑप्शन नहीं आएगी। देन उसके बाद है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ आ रहा है। अब भाई बिजनेस डोनेशन देने जा रहा है तो बिजनेस में कुछ आ थोड़ा ही रहा है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस है। यस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, और खर्चे का नाम क्या है? डोनेशन। तो बिजनेस बोलता है कि मैं अपने सारे एक्सपेंसेस को कहाँ पे रखूंगा? डेबिट पे रखूंगा। तो डोनेशन को बिजनेस डेबिट पे रखेगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट 1000। अब मुझे डेबिट वाला एस्पेक्ट तो मिल गया, लेकिन अब मैंने कौन सा एस्पेक्ट ढूंढना है? क्रेडिट वाला। मेरे पास क्रेडिट वाली 3 ऑप्शन है। क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को कुछ दे रहा है? नहीं, बिजनेस को इस ट्रांजेक्शन में कोई कुछ भी नहीं दे रहा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ जा रहा है? यस, बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो मुझे यहाँ क्रेडिट मिल गया, वहीं बात खत्म, मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है। और बिजनेस बोलता है जो मेरे से चीज जाएगी उस चीज के नाम को मैं क्रेडिट पे रखूंगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? टू कैश अकाउंट, और हम लिख देंगे बीइंग डोनेशन पेड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाती है कैश रिसीव फ्रॉम अब्दुल्ला ऑन द बिहाफ ऑफ अकबर ₹500। बिजनेस ने अब्दुल्ला से पैसे रिसीव किए, किसके कारण अब्दुल्ला पैसे देने आया? अकबर के कारण। अगर आपके मौसी जी ने आपके मम्मा से पैसे लेने हैं तो मम्मा आपके हाथ पैसे भेज देते हैं कि जाओ बेटा अपनी मौसी को पैसे दे आओ, तो मौसी को आप पैसे दे आए, मौसी क्या याद रखेगी? मम्मा का नाम याद रखेगी वापस करने के लिए कि आपका? ऑब्वियस आपका नहीं रखेगी, क्योंकि आपके बजाय वो गली के किसी बच्चे को भी भेज सकते थे, लेकिन वो सिर्फ मौसी किसका नाम याद रखेगी पैसे के मामले में? आपकी मम्मा का, कि आपकी मम्मा ने उन्हें पैसे दिए। इन द सेम वे, अगर कैश अब्दुल्ला से ले रहे हो लेकिन देखो किसके कारण रहा है अब्दुल्ला? अकबर के कारण। तो बिजनेस का लिंक इसका मतलब किससे है? अकबर से। अब्दुल्ला के नाम को हमने याद नहीं रखना। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या है? अकबर जो है वो पैसे दे रहा है। किसको पैसे दे रहा है? बिजनेस को। सबसे पहले हमने डेबिट देखना है। पहला डेबिट कौन सा है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर तो कोई है नहीं है इसमें, बिजनेस का कोई रिसीव नहीं है, बिजनेस को किसी को भी कोई पैसे नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। डेबिट व्हाट कम्स इन, दूसरा हमारा डेबिट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस में? क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो बिजनेस कहता है कि जो भी मेरे पास आएगा उसको मैं डेबिट पे रखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट ₹500। उसके बाद हमारा क्रेडिट ढूंढना शुरू कर देंगे हम। हमारे क्रेडिट पे है, सबसे पहला क्रेडिट है क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है। फिर उसके बाद क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ जा तो रहा नहीं है। तीसरा क्रेडिट है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बिजनेस के लिए कोई फायदे की बात भी नहीं है। तो वही क्रेडिट बच गया क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को कोई पर्सन कोई कुछ दे रहा है। तो बिजनेस को कौन सा पर्सन दे रहा है? अब्दुल्ला नहीं दे रहा, क्योंकि अब्दुल्ला तो सिर्फ उसका मीडियम है। कौन दे रहा है? अकबर दे रहा है। तो बिजनेस बोलता है जो भी पर्सन मेरे को कुछ देगा उसके नाम को मैं क्रेडिट पे रखूंगा, तो अकबर के नाम को हम क्रेडिट पे रख देंगे टू अकबर 500। इस तरह से मेरी ये ट्रांजेक्शन पूरी हो गई। और डेबिट और क्रेडिट पे कौन कौन सा रूल लगा? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। कल वाली वीडियो में हम GST करना शुरू करेंगे। GST पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि मैं GST क्या होता है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, उसे जनरलाइज कैसे किया जाता है। डेट्स ऑल। अगर आपको जर्नल बड़ी आसान लग रही है, अच्छे से समझ आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को एक्सपेंड करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।